हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज हम लोग इंडिगो CR4 में छोटा सा ही एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि इस पे दो तीन मेरे पास फ़ोन आए कि इसमें ये प्रॉब्लम है। और जो ये इसकी प्रॉब्लम है वो लगभग हर एक गाड़ी की प्रॉब्लम सेम होती है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें हमारा इग्निशन देखिए ऑन है, तो अब जब हमको फ़ैन चलाना है, रेगुलेटर जो हमारा ब्लोवर फ़ैन होता है, तो देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर नहीं चल रहा है। अब चार नंबर करते हैं इसको, तो देखिए फ़ैन हमारा चल गया। तो ये जो एक दो तीन नंबर की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें एक रजिस्टर लगी होती है, तो उसकी लोकेशन मैं आपको दूंगा। और साथ ही इसको मैंने पूरा खोल लिया था, टेस्टिंग भी कर ली है, मतलब वो फॉल्टी है और वो कहाँ लगी है और उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या उसमें कुछ हो सकता है। वैसे ज़्यादातर वो रिप्लेस ही होती है, मतलब वैसे उसमें जुगाड़ नहीं किए जाते हैं। और ये जो रजिस्टर होती है, ये लगभग चाहे वो बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, हुंडई हो, i20 हो, i10 हो, कोई भी एक गाड़ी हो, उसमें ये रजिस्टर अलग अलग लोकेशन पे लगी होती है, लेकिन जो उसका वर्किंग प्रोसेस है वो सभी गाड़ियों का एक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खोलना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक ये हैंड ब्रेक के पास एक हमारा कवर लगा होता है, एक पेच यहाँ होता है, खोल लिया पहले ही, और एक पेच यहाँ लगा होता है, तो इसको लगा रहने देंगे। मतलब ये अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके आराम के हिसाब से, चाहे तो आप खोल के बाहर कर लें इसको और चाहे तो इसको यही फंसा रहने दें। तो अगर इसको बाहर करना है, एक पेज हमें ये खोलना पड़ेगा और एक पेज हमें इस कवर के नीचे लगा होता है वो खोलना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जब ये खोल लेंगे तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर देखिए दो पेज होते हैं जो कि इस कवर के होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसमें दो पेज होते हैं। इसको खोल लेंगे हम लोग और इसको ऊपर ऊपर ऐसे करके, और इसको यहाँ से देखिए, ये हमारा पावर विंडो स्विच कुछ इस तरह से लगा होता है, तो यहाँ पे साइड में स्क्रू ड्राइवर प्रेस कर डाल के इस तरह से धीरे धीरे इसको बाहर निकाल लेंगे कि टूटे नहीं है। और उसके बाद ठीक इसके नीचे एक पेच यहाँ पे होता है, मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए एक पेच हमारा यहाँ लगा होता है इस जगह पर, इस पेच देखिए वो जो नीली नीली दिख रही है इसमें लगा होता है। फिलहाल इसको सरका रखा तो ये यहाँ पर आ गया। एक पेच यहाँ खोल के इसको हम ऐसे पीछे सरका लेंगे, तो ये जो जगह है हमारी ये खुल गई। उसके बाद अब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे इस जगह पे एक पेच यहाँ लगा होगा और ठीक इसी के बगल में एक पेच यहाँ पे होता है ये। तो ये खोल के हम लोग इस फाइबर को धीरे से पेचकस लगा के ये ऐसे ये बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम के साथ ये पूरा आइटम प्लास्टिक जो है ये हमारी बाहर आ जाएगी। और देखिए इसमें तार कुछ फंस रहे हैं। तो देखिए अब हमारा ये म्यूज़िक सिस्टम के साथ ये पूरा कवर बाहर आ गया है, और इसके म्यूज़िक सिस्टम के कपलर यहाँ से निकाल लेंगे, एरियल यहाँ से निकाल के, देखिए फंस गया ये, एरियल निकाल के ये म्यूज़िक सिस्टम हमारा बाहर आ गया। अब हमें इस प्लास्टिक को, देखिए ये प्लास्टिक फ़िलहाल खुली पड़ी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या करना है। देखिए एक पेच ये, एक पेच ये, एक पेच ये, चार पेच ये खोलने हमें। उसके बाद एक पेच इसके अंदर लगा होता है इस जगह पर, अंदर यहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर अंदर एक पेच लगा होता है, लंबे पेच कैसे खोल लेंगे और ये प्लास्टिक धीरे से पेचकस लगा के ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये प्लास्टिक हमारी बाहर आ जाएगी, ये प्लास्टिक हमारी धीरे से बाहर कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का कपलर लगा होता है हज़ार का, तो ये निकाल के बाहर कर लेंगे, ये अलग हो गई। अब बचता है हमारा जो रजिस्टर लगा है, वो लगा कहाँ है। इस प्लेट को चाहेंगे तो ऐसे लगा रहने देंगे, चाहे तो निकाल लेंगे आसानी से, ये आपके ऊपर है कि आसानी से काम करना या थोड़ा सा मुश्किल में काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से दिख पाए, शायद नहीं दिख पाएगा, इसके अंदर रजिस्टर लगा होता है उस जगह पर, देखिए रोशनी आई यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे लगा होती है, ये लगी होती है जाली, तो फिलहाल तो ये निकली पड़ी है, लेकिन इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे लगी होती है यहाँ पर, और देखिए एक पत्ती यहाँ है, एक पत्ती यहाँ है और एक पत्ती इसकी यहाँ है, ये ऐसे लगी रहेगी। उसके बाद हम लोग पेचकस से दबा के ऐसे यहाँ दबाएंगे, अंदर घुसेड़ के इसके थोड़ा सा बाहर करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे पत्ती दबा के इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद देखिए यहाँ पे अंदर शायद आपको रेड वायर दिख जाए, तो देखिए यहाँ पे अंदर एक मैं हाथ डाल रहा हूँ लेकिन शायद दिखना मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर अगर इस तरफ से दिख जाए, तो देखिए ये मैंने बाहर थोड़ा सा कर दिया है और धूप भी है साथ में, दिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप,
देखते हैं, तार जैसा रखा है, वो हमारा रजिस्टर है, उसमें मोबाइल नहीं जा पा रहा अंदर, तो वो लोकेशन नहीं मिल पा रही। लेकिन यहाँ पे देखिए मोटे तीन तार लगे होते हैं, जिसमें से ब्लू हमारा होता है और रेड होता है। तो इसको मैं बाहर निकाल ही लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा रजिस्टर है, ये तो फ्रेंड देखिए ये हमारा रजिस्टर है जो कि इस तरफ से निकाल लिया है, और ये इसका कपलर है, ये इसमें ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, और ये यहाँ पे दो पत्तियाँ लगी होती है, ऐसे बैठा होता है अंदर, यहाँ पे पत्ती ऐसे फैला के इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे। तो अब इसमें जो फॉल्ट आता है, इसमें क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कभी कभी होता क्या, जो स्प्रिंग लगी है ये रजिस्टर का काम करती है, मतलब रजिस्टर बन जाती है इससे, तो थोड़ी ये 12 वोल्ट की जगह करंट कम कर देती है और ये अपना काम करती है 1, 2, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर डायरेक्ट हो जाती है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इसको यहाँ से कपलर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हमें रिप्लेस करना होता है। और अगर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कंपनियां बना के दे रही है तो ठीक है, मतलब कहने का जुगाड़ नहीं करना चाहिए कुल मिला के। अगर हम जुगाड़ करना चाहें तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है ये बीच में, देखिए ये रजिस्टर यहाँ बीच में लगी है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पत्ती को और इसके बगल वाली पत्ती को आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देंगे, मतलब किसी चीज़ से सोल्ड कर देंगे, तो फैन तो हमारा 1, 2, 3, 4 नंबर चलने लगेगा, लेकिन उसकी लाइफ कितनी होगी तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। देखिए ये हमारी रजिस्टर है, और ये पत्ती और इस पत्ती को आपस में वेल्ड शोल्ड करवा देंगे, तो ये हमारा जो रजिस्टर है काम करने लगेगा, लेकिन इसकी लाइफ कितनी ये नहीं बता पाऊँगा मैं। तो फिलहाल अभी इसको चेंज करेंगे, और चेंज करके आपको दिखाते हैं, जो हमारा 1, 2, 3, 4 नंबर काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया, किसी भी गाड़ी का, मतलब बुलेरो, स्कॉर्पियो, हुंडई, टोयोटा, कोई भी एक गाड़ी हो, रजिस्टर सब में लगी होती है। लोकेशन और रजिस्टर की बनावट अलग हो सकती है, बाकी प्रोसेस सबका सेम होता है। इसमें कुछ में जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया, और कुछ में जुगाड़ कर भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें मतलब कुछ रजिस्टर ऐसे जिसमें जुगाड़ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को फिलहाल पॉज कर रहे हैं और नया रजिस्टर लगा के इसको एक्टिव करके इसको बांधेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए रजिस्टर हमारा नया आ गया, ये रजिस्टर हम लोगों नया आ चुका है, और ये हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। तो अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसकी टेस्टिंग करें तो ऐसे खुले में ना करें, नहीं तो इसकी जो रजिस्टेंस होती, जो स्प्रिंग होती है, वो जल जाती हैं। तो इसमें ब्लोवर की हवा जो आती है उसके ज़रिए हवा लगा करती है, तो अभी हम लोग इस हवा को मतलब इसके सामने ही रख देंगे, ताकि इसमें हवा लगे और ये ख़राब ना हो, क्योंकि हवा लगने से ठंडी भी होती रहती है। तो देखिए इग्निशन हम लोग ऑन कर रहे हैं, इग्निशन हम लोगों ने ऑन कर लिया है। अब फ़ैन को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया ताकि मालूम हो। तो ये हमारा 1 नंबर, देखिए फ़ैन हमारा चल गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी प्रॉब्लम थी वो रजिस्टर की ही प्रॉब्लम थी। तो फिलहाल वीडियो को यहीं से क्लोज करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, किसी को ज़रूरत हो शेयर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।